नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे, कुछ परेशानियां चल रही हैं भाई। ठीक है, जब हो जाएंगी सॉल्व तो बताएंगे आपको भी। अभी फिलहाल जो चल रही है चलने दो, और कोशिश तो अपनी है आपको कंटेंट देते रहें। तो आज सीके ब्लॉग्स का कंटेंट है, वांटेड वीडियो भी आपके पास आते रहेंगे। अभी कुछ और शूट करने हैं हमने वांटेड वीडियो के। तो भाई जंगल सफारी करते हैं, ठीक है। जंगल सफारी अपनी फेवरेट टाइप की हो गई है, क्योंकि ये कंटेंट ना अपना कुछ खास है और ये बंदा भी अपना कुछ खास है। हम अपना लक लेके चलते हैं भाई, क्योंकि जब जब अमित भाई हमारे साथ आते हैं, देखो ये बंदा भी कुछ खास है। इनकी जो नॉलेज है ना, जो टाइगर को पहचानने वाली, वो अलग लेवल है। लेकिन उसके बाद उसके साथ हमारे साथ में एक मतलब बहुत ही स्ट्रांग लक वाली चीज है हमारे साथ में। उस चीज का नाम है भाई अमित भाई। रेड बुल इज द सीक्रेट ऑफ माय लक। ये देखो, ये जो भाई साहब है ना, क्या होता है ना, जगना पड़ता है ना, रात रात भर आके काली करनी पड़ती है। क्योंकि आप है ना, एक टाइगर, दो टाइगर, तीन टाइगर मैक्सिमम देख सकते हो अपनी नॉलेज से। लेकिन उसके बाद अगर आपको 10-10 टाइगर एक दिन में, तीन दिन में 21-21 टाइगर देख रहे हो, तो भाई ज्यादा लक चाहिए होता है अमित भाई। रेड बुल चाहिए होती है जगने के लिए, दो दो तीन तीन रात मतलब बिना सोए जब टाइगर दिखते हैं। ये है भाई, यहाँ पर अपन पूरा टाइम खपाते हैं, देते हैं, और आंखें मतलब दर्द हो जाती हैं। और अपने साथ में हमारे शेखर दा भी हैं आज, तो एक वीडियो शेखर ट्रैवलर पे भी आएगा मेरे ख्याल से। शानदार बनाओगे ना, बढ़िया वाला टाइगर दिखना चाहिए। हाँ बस टाइगर तो आप दिखाओगे, लाएंगे भाई गोद में उठा के। तो भाई चलते हैं, अपन देखते हैं आज की सफारी में। रेड बुल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरे लिए हैप्पी है, मेरी एपी आ गई आज। एपी भी गलत लिया, ये लाल वाली गलत ले आया वैसे ये। नहीं कोई बात नहीं, आज भाई लाया तो अमित भाई के नाम पे पियेंगे। बाकी नाश्ता वास्ता सारा साथ लेके चल रहे हैं पर रस्ते के लिए अपना। आज हम पूरी तैयारी में है क्यों? तो यार लग जाती है भूख 4-5 बजे से, टाइम जो होता है हंगर टाइम जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे वो टाइगर छोड़ के ना पेट पर ध्यान चला जाता है। तो भाई चलते हैं, अपनी जंगल सफारी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। बीच में जाके सोता है दोपहर में, खुले में नहीं सोता। उसका रीजन ये है कि वो जितना चुपके सोता है ना, उतना मक्खियाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, और छोटे छोटे कीट पतंगे ऐसे होते हैं अगर उसके मुंह पे लगते हैं बार बार आके, तो वो ढंग से रेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए वो बिल्कुल ऐसी जगह जाके अपना मुंह अंदर करके सोता है। तो भाई एक जानकारी ये भी है, एक मेन चीज ये है, दिन में जब टाइगर सोता है, और जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं भाई, टाइगर एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर है। लॉयन है सबसे ज्यादा सोने वाला। लॉयन, हाँ मतलब के बाद यार लॉयन 20 घंटे सोता है दिन में, और ये 16 घंटे सोता है। ये 16 घंटे सोता है। और मतलब ये भी बता दूं कि इसके बारे में थोड़ी सी चीज बता दूं मैं, बाकी मेरा व्लॉग अभी आया नहीं है इसका, आएगा जब देखना उसमें मैंने नेक्स्ट लेवल बात आपको नॉलेज दी है। एपेक्स प्रेडिएटर है ये। एपेक्स प्रेडिएटर मतलब होता है कि नेचर की टॉप फूड चेन इसी से चलती है, ठीक है। एक लौता ऐसा प्रेडिएटर जिसको कोई और फूड चेन यूज नहीं करती है, इसको सिर्फ एक चीज किल करती है, वो है एलिफेंट, और वो भी खाता नहीं है इसको, वो अपनी सेफ्टी के लिए इसको मार सकता है। और इंसान तो आपको बताइए यार, वो तो मतलब उससे तो सबको ही खतरा है आज के टाइम पे। जनरली अटैक नहीं करता एलिफेंट इसके ऊपर, हाँ वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए अटैक करता है। क्यों? हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए अटैक करता है, और क्या होता है उसके ऊपर पैर रख देता है, वो करता है तो मर जाता है। लेकिन एपेक्स प्रेडिएटर मींस होता है कि टॉप प्रेडिएटर है, यहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है। नेचर का मतलब गठन यहीं से होता है, इसी से ही सारा एक मैं तुम्हें चार्ट भेजूंगा, यहाँ पे चार्ट लगा देना तुम, उससे पता लग जाएगा लोगों को कि कैसे ये सबसे, वो जो बचपन में पढ़ता हाँ, हाँ, स्कूल में है ना, हाँ, टाइगर, फिर हाँ, टाइगर से डियर, डियर से ग्रास से रैबिट, चूहे, वॉर्म, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो एपेक्स प्रेडिएटर है जो मेंटेन करता है, अगर ये नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अपने इन चीजों का। और एक चीज और इम्पोर्टेंट इस चीज में है कि जिस जंगल में टाइगर पाया जाता है ना भाई, वो जंगल सबसे हेल्दी जंगल होता है ना। एक टाइगर और एक, अभी आपको दिखेगी तो दिखाता हूँ मैं, जो पेड़ों की वो बन जाती है दीमक, हाँ बन जाती है ऊंची टीले, वो जंगल के लिए बहुत हेल्दी होती है ये चीजें। तो ये सब चीज जानकारी आपको हमारे ब्लॉग में मिलने वाली है इस बार। हाँ, आप क्योंकि उसी के बीच का चैनल नहीं देख रहे, आप इस टाइम देख रहे हो नेशनल ज्योग्राफिक। अब हमने सोच लिया कि हम इसको प्रोफेशनल वे में करेंगे। क्यों नहीं यार, अगर हमें कुछ पता है और इसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है, जिसको भाई बोर लग रहा हो स्किप कर दे, नहीं तो भाई लव यू तो है ही सबको। तो ये भाई जंगल की वो चीज, हाँ, जो कि फूड चेन के सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ बता रहा था मैं, ये हेल्दी और ये बहुत बड़ी है। क्यों? हाँ ऑब्वियसली
ये जो बहुत बड़ी, ये बहुत पुराना कोई पेड़ रहा होगा। हाँ। बहुत पुराना, वो इतना बड़ा है ये पेड़ एक्चुअली, जिसके ऊपर दीमक लग चुकी है, ऊपर से टूट गया होगा ये। हाँ। दीमक लगने के कारण ही। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। और तुम क्या कर रहे टाइगर के बारे में, क्या करते हैं वो उनकी कम्युनिकेशन के बारे में? जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, आपने कभी भी सुना होगा जैसे कि हम किसी टाइगर रिजर्व में जाते हैं सफारी करने, नेशनल मतलब नेशनल पार्क में जाते हैं, तो सफारी वाले आपको बोलते हैं कि ऐसे बात करो, ऐसे धीरे बात करो, मतलब हम जो बात करते हैं ना हमारी हमिंग, वो इनको कई किलोमीटर दूर तक सुन जाती है, इसलिए जंगल के अंदर बोलना नहीं चाहिए अगर आप इनको देखने आए तो डिस्टर्ब ना करने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं ना वो अल्ट्रासोनिक वेव पे करते हैं, जिसको इंसान विदाउट इक्विपमेंट सुन ही नहीं सकता। इनकी जो कम्युनिकेशन आपस में वो होते हैं, इसी के लिए तो हम वो एक पैराबोलिक माइक्रोफोन जिसे कहते हैं बायोनिक ईयर, वो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनने के लिए। हाँ। तो ये उसमें बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू, और जब ये ग्रोल करता है, धाड़ता है, तो ये 110 डेसिबल की साउंड जनरेट करता है, जो कि 95 जो डेसिबल की साउंड होती है वो ट्रेन की होती है। कभी कोई आदमी खड़ा है और एकदम से ट्रेन ने हॉर्न मार दिया ना, तो वो चौंक जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, वो डर जाएगा। तो सोचो जब ये तुम्हारे पास आके ग्रोल करेगा तो बंदे, अरे बंदे फ्रीज हो जाते हैं भाई, फ्रीज ही हो जाते हैं, सोचने सकने की क्षमता नहीं। ऊपर से इसकी जो आकृति है ना वो इस टाइप की है कि जब ये सामने आता है ना, वैसे तो गाय भैंस भी हमारे सामने आती है, बड़ी होती है, लेकिन जब ये सामने आता है तो भाई इसकी आकृति ऐसी है कि इसके कुछ कहते हैं लोग यार सब, मतलब जो है जो कई बिहेवियरिस्ट होते हैं ना वो ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर होती है। हाँ। कि ये आपको हिप्नोटाइज कर लेता है। मैं वही कह रहा था, हिप्नोटाइज वाली बात कर रहा था कि हिप्नोटाइज सा बंदा हो जाता है और फ्रीज हो जाता है। कई जानवर देखे जो उसके सामने फ्रीज हो जाते हैं, इंसान भी फ्रीज हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप बोलना चाहोगे बाघ, लेकिन अगर जैसे सामने आ गया ना आपके, तो आपने मुझसे आवाज नहीं निकलती और इतने में आपको किल कर देगा। वही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस ब्लॉग में, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, बस टाइगर मिल गए, बस टाइगर भी मिलना चाहिए, वो भी दिखाएंगे आप। देखो यार टाइगर हमें तो दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन इक्विपमेंट्स में आपको शो नहीं कर सकते, अंदर बैठा हुआ है कोई, कोई पूंछ दिख जाती है, प्रिंट दिख जाता है, क्योंकि टाइगर हेल्दीएस्ट है, यहाँ पे भरमार है। लेकिन मैं कोई बिल्कुल सामने आएगा, ट्रेसपासिंग होगी, वो आपको हम शो कर सकते हैं। बाकी टाइगर तो हमको दिख ही रहे हैं, टाइगर तो हमने कल भी देखे हैं, कल भी देखे हैं, लेपर्ड भी देखा कल हमने, कल सीके ने व्लॉग नहीं करा शायद ना। हाँ, कल नहीं किया था। हाँ, लेकिन टाइगर लेपर्ड भी देखा, टाइगर भी देखा प्रॉपर। रात को तो और देखे थे, रात को तो तीन चार थे जो आ गए थे, मतलब वो गाड़ी के क्लोज आए जा रहे थे घासों में से, बैठ बैठ के आ रहे थे। तो भाई चलो देखते हैं कोई क्लोज इनकाउंटर होगा या फेस ऑफ होगा तो वो दिखाएंगे आपको, वही दिख सकता। बाकी इंजॉय करो जंगल को और हमारी इंफॉर्मेशन को। दिन में एक एवरेज टाइम है, ऐसा थोड़ी कि कंटिन्यू 16 घंटे सोता रहे। नहीं पत्ते हैं, पत्ते हैं, पत्ते हैं सर। तो मैं समझ गया, अब खाली पेट है तो दो दिन तक भी जगह रहेगा शिकार। ऐसा कुछ नहीं, अब आपने किसी जानवर को सोते हुए तो देखा ही होगा, कुत्ते को देखा ही होगा। तो कुत्ता ऐसा थोड़ी सुना था कि गहरी नींद में सो रहा, पता नहीं चल रहा था। कुत्ता में आहट की आवाज़ से उठा था। रात घने जंगल के बीचों बीच वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए, जो ये मैं अगर सुना हुआ तो बफर जोन के नाम से सुना हुआ। बफर जोन एक्चुअल में डेफिनेशन हमें थोड़ा गलत बताई गई है। अच्छा, बताओ आप। बफर जोन वो होता है जहाँ पे ना क्या कहते हैं उसे, जैसे हिरण है, ये मोस्टली एनिमल्स जहाँ इकट्ठे रहते हैं उसको बफर जोन बोलते हैं। गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। क्या कहते हैं बफर जोन? जरा एक एरिया का नाम डिवीजन बाय बांटा गया है जहाँ पर कभी कभार इंसानों की मौजूदगी हो जाती है, गांव वालों की लकड़ी काटने के लिए, और जानवर वहां पर कंटिन्यू रहते हैं, उसको बोलते हैं बफर जोन। उसको बोलते हैं बफर जोन। और एक इससे ऊपर आता है फिर कोर एरिया, जहां पर इंसान जा ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए, प्रॉपर कोर एरिया जहां पर सिर्फ आपको जानवर ही मिलेंगे। यहां पे क्या होता है ना, जानवर हर टाइप के जानवर बफर जोन में मिलते हैं आपको, वो वाला एरिया बफर जोन को करार दिया था। मतलब मुझे जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे बताया गया था कि बफर जोन वो है जहाँ रिस्ट्रिक्टेड है एंट्री, बिल्कुल ही खतरनाक, कोई जा ही नहीं सकता। वो कोर एरिया वो होता है, कोर एरिया बफर जोन वो एरिया जो एनिमल का हैबिटेट है,
हर प्रकार के एनिमल का है। सिविल सिविल जो बाहर कोई भी ऐसे आके सिविल से आके यहाँ पर कोई भी करेगा ट्रैवल तो भाई उसके लिए अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है बफर जोन भी। यहाँ पर सिर्फ लोकल्स जो होंगे गांव के रोजमर्रा की जिंदगी को करने के लिए लकड़ी वकड़ी वही अलाउड है बस। और जो कोर एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ वन विभाग के कर्मचारी अलाउड होते हैं बस। सिर्फ ऑथराइज्ड ही जा सकते हैं और पूरी करेंगे कोई कुछ कैप्चर हुआ तो भाई दिखाएंगे दूसरी बात है, बट इंजॉय करो वो तो लक की बात है, इसको इंजॉय करो क्योंकि ये चीज़ जो इंजॉय करने वाले ना वो कहीं नहीं है। स्ट्रेसफुल लाइफ में जहाँ जी रहे हैं वहाँ ये एक सुकून है अलग। जंगल सफारी का जो असली मजा है ना वो ऐसा नहीं लग रहा कुछ खड़ा हुआ है वो मैंने देख लिया बहुत, लेकिन वो तो है झाड़ी ही है ना, वो बहुत देर से खड़ा हुआ है। कि कुछ होता तो फिर वो हिलता जरूर, ऐसा भी लगा मुझे एक दो बार हिला भी है। सुन नहीं ऐसे नहीं खड़ा रहेगा ना, मेन बात तो ये है टाइगर तो आरामदायक जानवर है। यही तो क्या बात कर रहा है यार, वर्ल्ड का सबसे ऐसा प्रेडिएटर है जो घात लगाता है प्रॉपर छह खुले में नहीं लगाएगा ना, नहीं लगाएगा वो टक कर रहा है हमें, अगर वो टक कर रहा है हमें कि हम जाए तभी वो ट्रेस पास करे तो वो खड़ा रहेगा भाई वहाँ पे, जाएगा नहीं वो। कन्फर्म करे फिर उसको जाके, वो कन्फर्म करेगा इतने में वो सब कुछ हट जाएगा। वो नहीं है, वो तो कन्फर्म नहीं है जो तू बता रहा है, वो नहीं है। मैं तो और इधर एक चीज़ है उसके बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ से वाइल्ड पर भागे ना उससे थोड़ी सी पहले इधर की साइड एक चीज़ है सामने है हमने, है ना। हाँ तो मैं कह रहा था जंगल सफारी का जो मज़ा है ना वो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे जिस जगह पर जाके हम खड़े होते हैं और लगभग यहाँ पे हम बहुत सारा एरिया कवर कर रहे हैं और यहाँ से हम पूरे मतलब चार डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कहीं से कोई जानवर की साइडिंग हो सकती है, तो है ना। टिकरदा भी एक पैनी नज़र के साथ में जंगलों में देखते हुए देख रहे भाई, एक बार तो दिख गया हमको लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ और मैंने सोचा कि आज कैमरे में कैप्चर करके ही जाऊँगा यहाँ से। नहीं तो यहीं रहोगे, हम जाएं फिर फिर तो जरूर मिल जाएगा। तो शेखर दा कह रहे हैं भैया वो यहीं रहेंगे हम घर जाएंगे, ठीक है तो जरूर। ये है ग्रासलैंड और ये देखिए एक टाइगर का शिकार घूम रहा है यहाँ पे। होता क्या है ये ही वो पहली जगह है जहाँ जिनमें ढंग से टाइगर देखा गया था फर्स्ट। और होता यही है कि जो भी लोग अबैंडन कर देते हैं जानवरों को वो यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरल हैबिटेट में या तो फूड चेन का हिस्सा बनेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्यों हिस्सा ही बनेंगे, ज़िंदगी जीने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि टाइगर बहुत सारे हैं और टाइगर फूड चेन का किंग है। इस ग्रासलैंड में कई बार हमने 3 से 4 टाइगर एक साथ देखे हैं। क्या कह रहे हो इससे बड़ा भी एक ग्रासलैंड है। अच्छा वो भी जल्दी दिखाएंगे इनको, चलेंगे भाई वहाँ भी चलेंगे। तो हमारे शेखर दा को मिले हैं यहाँ पे 10 मोर। मोर मिले हैं भाई और इसमें चोर कितने हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने देखा। अरे वाह ये कहावत आप सीख लो, 10 मोर हैं, 10 मेल फीमेल सारे। अच्छा जंगल के बीचों तो भाई जंगल के बीचों बीच अपना कोशिश एक साइटिंग की। यहाँ पे एक वॉच टावर है और वॉच टावर के सामने जस्ट ये जानवरों के पानी पीने का अड्डा है और इस अड्डे में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइगर आते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, कितना घना अंधेरा हो रखा बिल्कुल इसके अंदर। अपने को टाइगर तो नहीं दिखा फिलहाल बट जो ग्राउलिंग सुनी है ना वो नेक्स्ट लेवल थी।
तुम्हारे साथ कितने कितने क्या साइज का होगा? भाई पता नहीं, लेकिन जो भी था मेल ट्राई करता प्रॉपर, मतलब कुछ हैवी चीज थी है, बहुत तगड़ी लेवल, बहुत तगड़े लेवल का था भाई, था अपने आसपास तो नहीं आया। कहते हैं ना कि टाइगर की रोलिंग जो होती है वो 3 किलोमीटर सुनाई देती है, 3 से 4 किलोमीटर होती है, और लायन की होती है कम से कम 5 से 8 किलोमीटर के बीच में। तो टाइगर की रोलिंग थी, बहुत शानदार एक्सपीरियंस था अपना। ये रिकॉर्ड नहीं किया हमने क्योंकि मज़ा ही लगा था सुनने में अपने को, दिमाग काम नहीं करता कि दिमाग ही काम नहीं करता, हम सोच रहे कि आप सामने आएगा, आप सामने आएगा, मैं कैमरा ऑन करूंगा रिकॉर्ड करूंगा, कवर कर लो, देखो देखो कोई नहीं, एक्सप्लोर करते हैं जंगल को फिर और डिटेल में। तो भाई अपन को हो गई रात हमारे जंगल सफारी में, और ये बन रही है अपनी मैगी, शानदार फुल स्पाइसी। और ये है हमारे मनोज भाई जो हमारे लिए बना रहे हैं मैगी। इसको खाने के बाद हम जंगल सफारी को अपनी कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, एक आध चक्कर, और साथ में हमारी ये बन रही है चाय। वैसे पानी तो अच्छा, चाय यही है तो पानी बनाएंगे। हाँ जी मैगी खा रहे हो भाई साहब? भाई कुछ तो खाना ही पड़ेगा यार, सुबह से भाई रात हो गई। तो मिस्टर दीप वर्मा मैगी खा रहे हैं, एक तो भाई यहाँ ऑप्शन खत्म हो जाते हैं ना थोड़े टाइम बाद। अरे चाय तो बोल दी नहीं यार, बोल दिए जी। अपने भाई भी मैगी खाते हुए और साथ में टाइगर को ढूंढते हुए, भाई अपनी मैगी रेडी है और बहुत ही चटपटी बनाई रखी है, हरी मिर्च वगैरह सब पेल रखी है इसमें, सब कुछ पेल रखा है भाई। तो इस मैगी खाते और फिर अपनी जंगल सफारी जो कि आज हमारी इस रोड की नाइट सफारी रहेगी इस रोड की, वो करते हैं और देखते हैं अपने को क्या मिलता है।